घर पर फ्रूट कस्टर्ड बनाने का आसान तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कम से कम सामग्री और कम से कम इंग्रेडिएंट में हम इसे बनाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूपाली और आर क्राउन रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 0.5 लीटर दूध। यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क यूज़ किया है जिससे हमारा फ्रूट कस्टर्ड स्वादिष्ट और ठीक बनेगा जल्दी से। तो इसको हम ऐसे बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से उबाल लेंगे। हमारा दूध अच्छे से उबल रहा है तब तक बाकी की प्रोसेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चाहिए कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ली है। ये वैनिला फ्लेवर वाली है, आप अपनी पसंद की यूज़ करें। जैसे कि मैंगो वाली मिलती है या फिर प्लेन भी इसमें मिलते हैं। पाइनएप्पल फ्लेवर भी हमें फ्रूट कस्टर्ड के पाउडर में मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने ये कस्टर्ड पाउडर ली है। फिर हम इसमें डालेंगे रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ये हमारा दूध। आप यहाँ पे चाहे तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसमें मिला देंगे और फिर इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितनी आसानी से ये मिक्स हो गया है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनी है। इसी तरह से इसको बना के साइड में रख देना है। यहाँ पे आपको गर्म दूध नहीं इस्तेमाल करना है, बस इसी बात का ख्याल रखें, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। और ये देखिए हमारा दूध भी अच्छे से उबल रहा है। बीच बीच में चलाते हुए हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेना है ताकि इसका कच्चा जो स्वाद है वो चला जाए। आप हमेशा जब भी दूध को उबालने के लिए रखते हैं गैस पे तो गैस की फ्लेम लो या मीडियम ही रखें, तभी हमारा दूध जो होता है वो अच्छे से उबल जाता है और उसका एक जो कच्चापन होता है वो पूरा निकल जाता है। बस इस तरह से इसको बीच बीच में चलाते हुए हमने उबाल लिया है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। तो ये आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा मिलाएं, आप चाहे तो चीनी की पाउडर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को इसमें अच्छे से पिघलने देना है। फिर से हमने इसको 2-5 मिनट के लिए पका लेना है ताकि धीरे धीरे दूध पहले से थोड़ा गाढ़ा होने लगता है और इसका एक अच्छा स्वाद बन के तैयार होने लगता है। तो ये चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये सिरप जो हमने कस्टर्ड पाउडर का बना के रखा है। तो ये डालते समय बस इसी बात का ख्याल रखना है कि गैस की फ्लेम लो रखें और इसको डालने के तुरंत बाद ही इसको फटाफट से चम्मच से मिक्स करें या फिर चम्मच से मिलाते हुए ही इसमें ये सिरप डालें, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनेगी और ये अच्छे से दूध में मिक्स हो जाएगा। बाद में इसको इसी तरह से हल्के हाथों से चलाते रहना है। जैसे ही हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का सिरप डालेंगे ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम इसको थोड़ा 5 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। तो ये देखिए पहले से कितना गाढ़ा हो गया है। तो ये कंसिस्टेंसी सही है, आप अगर इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा बनाएंगे तो ये ठंडा होने के बाद एकदम आइसक्रीम की तरह सिकुड़ जाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। इसको थोड़ा सा पतला रखना है इस तरह से। जब ये ठंडा होता है तो ये पहले से ज़्यादा गाढ़ा बन जाता है और वैसे भी हम इसे ठंडा बनाकर ही खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी बनाए दूध की और इसको गैस की फ्लेम बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ दे। तो इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा मैंने इसको इस तरह से बनाया है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अनार के दाने और एप्पल लिया है। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद के फ्रूट इसमें मिला सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स भी इसमें आप मिला सकते हैं। जैसे कि आप इसमें मिला सकते हैं बनाना हो या कीवी हो, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। ग्रेप्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इन फ्रूट्स को उस मिल्क में मिला देंगे। तो ये देखिए पहले से थोड़ा गाढ़ा हुआ है ये, क्योंकि अभी ये ठंडा है पर ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ही है। जब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये और गाढ़ा बन जाएगा। तो इसमें अब हम फ्रूट्स डाल देंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ज़्यादा इसको बनाने के लिए समय भी नहीं लगता। बस बनाइए,
आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखिए और सर्व कीजिए ठंडा ठंडा। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये, और आप जैसे भी इसमें अलग अलग फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ करते हैं तो इसका फ्लेवर भी और अलग अलग बन के तैयार हो जाता है। तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए और बाद में इसको सर्व करेंगे। तो इस तरह से आज हमने बनाई एक आसान और स्वादिष्ट स्वीट रेसिपी। तो इन गर्मियों में आप भी ये बनाइए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका फ्रूट कस्टर्ड कैसे बना था। तो फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार ऐसी ही और एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू माय फ्रेंड।